मेरी चांद को देखकर चांद भी शर्मा गए, ऐसा सोचने वाला पहले इंसान जो थे वो है सम्राट शाहजहां। सम्राट शाहजहां ने आज से लगभग 350 साल पहले जब उसकी अनमोल कीर्ति यानी ताजमहल को पहली बार देखा था, तब उसने ऐसा सोचा था। और सोचे भी क्यों ना, क्योंकि ताजमहल इतना सुंदर है, इसको देखने के बाद हर एक लोग यही कहता है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को ताजमहल से जुड़े हुए बहुत सारी बातें बताऊंगा जिसकी बारे में जानकारी आप लोगों के पास नहीं है। ताजमहल क्यों इतना फेमस है, ताजमहल को बनाने के लिए कितना खर्च हुआ था, ताजमहल बनाने के पीछे सबसे ज्यादा हाथ किसका था, क्यों इसे प्यार की निशानी कहा जाते हैं, ये सारी बातें जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहे। पृथ्वी का सप्तम आश्चर्य में से एक है ताजमहल। भारतवर्ष की उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा शहर में ये ताजमहल अवस्थित है। भारत की राजधानी यानी दिल्ली से ताजमहल लगभग 223 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी लखनऊ से ताजमहल की डिस्टेंस है 330 किलोमीटर। कोलकाता से ताजमहल का डिस्टेंस है 1281 किलोमीटर। मुंबई से ताजमहल का डिस्टेंस है 1292 किलोमीटर। तमिलनाडु यानी चेन्नई से ताजमहल का डिस्टेंस है 2512 किलोमीटर। गुवाहाटी यानी आसाम से ताजमहल का डिस्टेंस है 1728 किलोमीटर। बेंगलुरु यानी कर्नाटक से ताजमहल का डिस्टेंस है 1928 किलोमीटर। ये थे कुछ मेजर सिटीज जहां से ताजमहल की वे और उसको पहुंचने की रास्ता और उसके डिस्टेंस को दिखाया गया है। प्यार का प्रतीक यानी निशानी मानने जाने वाला ये अजूबा भारत की गर्व और सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। ताजमहल को देखने के लिए हर समय यहाँ पर भीड़ रहता है। लोगों ने आज भी इसे देखने की चाह रखता है। सफेद संगमरमर से सम्राट शाहजहां द्वारा उसकी प्यारी पत्नी मुमताज बे महल की याद में ये महल बनवाया गया था। आज भी लोग इसे देखने के लिए बार बार यहाँ खींच चले आते हैं। ताजमहल को आज भी लोग प्यार के प्रतीक मानते हैं, इसलिए बार बार यहाँ चले आते हैं। जमुना नदी के किनारे एक महल एक विश्व सरणीय स्थल है। सन 1631 में जब सम्राट शाहजहां ने भारत की चारों ओर उसकी जीत का झंडा गाड़ दिया था, तब उनकी बेगम में से सबसे प्यारा बेगम था मुमताज महल। मुमताज महल को वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। मुमताज महल यानी इस पार्सियन बेगम की मौत उसकी 14 बच्चे को जन्म देते हुए हो गए। उसकी 14 बच्चे का नाम था गोहर बेगम, जो कि लोगों का मानना है कि गोहर बेगम बिल्कुल उनकी माँ यानी मुमताज महल जैसा दिखता था। सम्राट शाहजहां की प्यारी पत्नी की मौत होने के बाद उसने ये ठान लिया था कि उसके प्यार को अमर रखने के लिए वो ताजमहल बनाएंगे। तब उसने ताजमहल बनाने का सोच लिया था। सन 1632 में ताजमहल बनाने का काम शुरू हो गया था और सन 1653 में ही ताजमहल बनाने का काम खत्म हो गया। लेकिन लोगों का मानना है कि सन 1648 में ही ताजमहल बनाने का काम खत्म हो गया था। अधिक 5 साल लग गए इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। शाहजहां चाहते थे कि उसकी प्रेम हमेशा अमर रहे, इसलिए वो ताजमहल को बनाने में बहुत समय लगा दिया था। ताजमहल में मकबरा और मेहमानों की घर के साथ साथ उसकी दोनों ओर गार्डन भी है, जिसे गार्डन ऑफ पैराडाइज भी कहा जाता है। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को ताजमहल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। तो पहले है कि ताजमहल को बनाने उस समय लगभग 32 मिलियन रुपए खर्च हुए थे। ताजमहल को बनाने में लगभग 25,000 से भी ज्यादा कारीगरों ने इसमें काम किया था, जिसमें से कुछ थे मजदूरों, कुछ थे पेंटर, कुछ थे आर्टिस्ट और भी थे कई कलाकारों।
उस्ताद अहमद लाहिड़ी को ताजमहल का श्रेष्ठ रूपांकनकर्ता माना जाता है, क्योंकि ताजमहल को बनाने के पीछे इसका योगदान सबसे बड़ा था। हर दिन ताजमहल को देखने के लिए 12,000 से भी अधिक लोग यहाँ पर आते हैं। बहुत सारे लोग ये देखने के लिए यहाँ पर आते हैं कि ये प्यार की निशानी वाकई बहुत महत्वपूर्ण है या नहीं। ताजमहल की ऊंचाई तकरीबन 73 मीटर से आसपास है, जो कि कुतुब मीनार से थोड़े ज़्यादा है। ताजमहल 17 हेक्टेयर जमीन के ऊपर फैला हुआ है। सन 1983 में ताजमहल 200 धरोहर स्थल बना था। उसके बाद ही इसको यूनेस्को ने सबसे प्रशंसित हुए अद्वितीय मानवीय कीर्तियों में से एक बताया था। ताजमहल की मध्य में ही मुमताज महल का कब्र था, जो कि सफ़ेद मार्बल से अलंकृत किया गया हुआ था। सम्राट शाहजहां के मरने के बाद उसका कब्र भी ठीक मुमताज महल के पास यानी उसकी दक्षिणी दिशा में बनवाया गया था। लोगों में ये भी प्रचलित है कि मानसून के हर बारिश की बूंदे इस कब्र पर पहले गिरता है। ये भी प्रचलित है लोग में कि सम्राट शाहजहां ने ताजमहल बनने के बाद सारे मजदूरों और कारीगरों के हाथ काट दिए थे, क्योंकि पृथ्वी में ऐसा दूसरा कोई और ताजमहल ना बना सके। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को ताजमहल से जुड़े हुए कुछ रोचक और अनसुनी बातें बताऊंगा। ताजमहल बनाने के समय जो सारी सामानों की जरूरत पड़ी थी उसको लाने के लिए 1,000 से भी अधिक हाथियों का उपयोग किया गया था। सम्राट शाहजहां ने अपने मन ही मन ताजमहल की दूसरी ओर यानी ऑपोजिट साइड में और एक ताजमहल काला पत्थर से बनवाने की मन ही मन सोच लिया था, लेकिन अपने ही बेटे औरंगजेब द्वारा बंदी होने के कारण उसका यह सपना हमेशा सपना ही रह गया। यमुना नदी के किनारे यह महल इतना सुंदर है कि लोग इसे बार बार देखने चले आते हैं। ताजमहल का सबसे सुंदर नजारा पूर्णिमा के चंद्रलोक में दिखाई देता है। हर पूर्णिमा के दिन यानी फुल मून में ताजमहल इतना खिल उठता है कि विश्व की हर सुंदरता इसके सामने फीका पड़ता है। दिन के हर समय ताजमहल अलग अलग रंग में दिखाई देता है, क्योंकि ये श्वेत मार्बल से बना है। सुबह के टाइम में ये हल्का सा गुलाबी जैसा दिखता है, शाम में दुधेरी सफ़ेद और सनसेट के टाइम में ये सुनहरा सा दिखता है। भारत की शान और इस प्रेम के प्रतीक को देखने के लिए सम्राट शाहजहां घंटों भर यमुना नदी के किनारे पर बैठते थे। लोग में ये भी प्रचलित है कि मुमताज के मृत्यु के गहरा असर शाहजहां पर पड़ा था, जिसलिए वो मरते दम तक अपनी पत्नी को याद करते रहे। दोस्तों, अंत में इतना ही बताऊंगा कि ताजमहल के पीछे पीछे किए गए हर चर्चित इसके सुंदरता के सामने बिल्कुल फीका पड़ता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारा चैनल अनकमन इंडिया को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। एंजॉय योर रेस्ट ऑफ द टाइम।